मुख्यमंत्री ने मैग्निफिसेंट एमपी का शुभारंभ करते हुए कहा कि आप सभी का देश के सबसे स्वच्छ शहर में स्वागत है। मैग्निफिसेंट एमपी कोई मेला नहीं है, ना ही सिर्फ एमओयू के लिए रखा गया एक कार्यक्रम है। यह प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का एक मंच है। हमारी सरकार ने 10 महीने में बहुत कुछ देखा और सीखा है। हमने यहाँ कई कार्यों का असंभव से संभव किया है। हमारी सरकार ने इंदौर और भोपाल में मेट्रो का शुभारंभ किया। प्रदेश की 70% आबादी कृषि आधारित है। सरकार में आने के साथ ही हमने 20 लाख किसानों की कर्ज माफी की है। पर्याप्त पानी मिल सके इसीलिए हमारी सरकार ने राइट टू वाटर शुरू किया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का टाइगर कैपिटल है। हमारा मकसद प्रदेश को उद्योग का हब बनाना है। बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, ट्राइडेंट ग्रुप के राजेंद्र गुप्ता, एचआईजी ग्रुप के रवि झुनझुनवाला, आईटीसी के संजीव पुरी, गोदरेज ग्रुप के गोदरेज आदि लोग उपस्थित रहे। भारत एक्सा की राकेश मित्तल और लैब इंडिया के मार्क चोरांस भी अपनी बात रखी। To producing goods and services, processing of these commodities, harnessing the potential of our people, and taking advantage and leveraging the location advantage that Madhya Pradesh offers in a post-GST world. In fact, as all of you understand, that no state in the country has this logistical advantage. You have heard of Incredible India. So many advertisements, so many campaigns about Incredible India. Indeed, India is incredible. But what we want to showcase to today is a credible Madhya Pradesh. A Madhya Pradesh you can believe in. A Madhya Pradesh you can rely on. A Madhya Pradesh that not sometimes walks the walk or at other times talks the talk, but actually